ओके तो अब हम बात करने जा रहे थे एंजाइटी इश्यूज की, है ना, रात को नींद ना आना, बिकॉज ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है. डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती हैं या फिर किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, तो आपको क्या करना है. हाँ, हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का ये जो मिडिल फिंगर है, इसका जो मिडिल पोर्शन है, उसको आपको ग्रीन कलर से करते हैं. ये पूरे एरिया में ही ग्रीन कलर करना है, पूरे एरिया में ग्रीन कलर करना है, आगे से लेके पीछे तक. ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को मेरे हैंड, पूरा ये मिडिल पोर्शन आपको ग्रीन कलर करना है, ठीक है. अब इसके ऊपर आपको लगानी है मूंग दाल, ठीक है, 7 to 8 पीस आप मूंग दाल के लीजिएगा, क्योंकि ये एरिया जो है ये प्रेस होना चाहिए. बेसिकली मेन पर्पस ये है कि ये एरिया हमको स्टिम्युलेट करना है, ये एरिया प्रेस होना चाहिए. तो पहले तो आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा प्रेस करोगे, ठीक है. जब हम स्टिम्युलेट करते हैं किसी भी पोर्शन को, तो जो उसके नीचे के नर्व सेल्स होते हैं, उनको ये सिग्नल मिलता है दैट दे हैव टू गेट एक्टिव, ठीक है. तो आपको इसको बहुत डीप नहीं करना, हल्का 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 ऐसे ऐसे स्टिम्युलेट करना है. क्या ग्रीन कलर आपने करा हुआ है, अब आप लोगे ग्रीन मूंग दाल, आप इसके ऊपर लगाओगे और डॉक्टर टेप के से आप उसको बंद कर दोगे, ताकि ये एरिया जो है ये आपका प्रेस्ड रहे. तो आप इसको दिन में 3 या 4 घंटे के लिए कभी भी करिए, दिन में आपको कंफर्टेबल आप दिन में करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है आप दिन में बिजी रहते हो नहीं कर सकते, तो आप रात को सोते समय कर दीजिए, सोने से पहले. हाँ, मार्कर यूज कर सकते हो, आपको स्केच पेन यूज कर सकते हो. जसमीत जी, डार्क कलर यूज करना है, डार्क ग्रीन, ठीक है. तो मेन स्टिम्युलेट होना चाहिए ये एरिया, सो दैट आपके डिप्रेशन जो है, आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसीज जो है, या फिर अगर आपको एसिडिटी रहती है तो भी आप यही रेमेडी करोगे. बिकॉज अभी हमने बात करी कि ये जो एरिया है ये पित्त कंटेंट को सिग्निफाई करता है, वात पित्त कफ, तो ये पित्त एरिया को सिग्निफाई करता है. तो पित्त एरिया की वजह से हमें एसिडिटी होती है, या पित्त एरिया की वजह से हमको रात को नींद नहीं आती, तो इसी एरिया को हम फोकस करेंगे. तो यहाँ पर ग्रीन कलर करके आपको इसके ऊपर दाल लगा के आपको इसको टेपिंग कर देंगे, क्लोज दैट एरिया, ठीक है. ये रेमेडी क्लियर सबको, ये वाली कलर थेरेपी क्लियर, एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है, नहीं, शैल वी प्रोसीड, हैंड डाउन कर लीजिए सब लोग. जी सोनिया जी, ग्रीन मूंग दाल मींस आधा वाला या फुल ग्रीन फुल मूंग वाला, दाल? फुल फुल ओके ठीक है. तो अगर आपको एसिडिटी है या अगर आपको नींद नहीं आती, तो आप लोग ये रेमेडी जरूर यूज करिए, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड डेफिनेटली आपको बेटर होगा. जी रेडमी जी, विद बोथ द हैंड मा क्लियर. नहीं, लेफ्ट हैंड भी करना है. थैंक यू. प्रानीता जी, हेलो जी बोलिए. मैडम, थायराइड और पीसीओडी के लिए कोई कलर थेरेपी बताइए. अभी जो मैंने बताई क्वेरी है, ग्रीन वाली ना? हाँ, अभी जो मैंने बताई है एंजाइटी की, इसमें कोई हाँ, क्वेरी है आपको? नहीं उसमें कुछ क्वेरी नहीं. चल,
चलिए, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी, क्योंकि एंजाइटी की या एसिडिटी की, है ना, एवरी सेकंड पर्सन को ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए, तो दैट इज व्हाई आई हैव शेयर दिस कलर थेरेपी विद ऑल ऑफ यू. आप लोग खुद भी यूज करिए, अपने नियर डियर वंस को शेयर करिएगा, ताकि सबको इससे फायदा हो सके. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जिस कलर थेरेपी की, वो है किसी को अगर डायबिटीज है ना, डायबिटीज की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, एवरी सेकेंड पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो अगर डायबिटीज है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. देखिए, डायबिटीज बेसिकली होती क्यों है, डायबिटीज होती है जब हमारा पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो जाता है ना, पैनक्रियाज जो है ये वर्क नहीं करते प्रॉपर, और इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता, तो इसीलिए हमको डायबिटीज होती है. ठीक है, तो डायबिटीज होने की वजह से आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम ही नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, तो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल डायबिटीज. अभी हम कोर्स कंटेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम डायबिटीज के बारे में सीख लेते हैं कि क्या हम लोग कलर थेरेपी कर सकते हैं अगर डायबिटीज है तो. चलिए, पहले हम लोग अपने कोर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं. राइट मैम, तो ये हमारी कलर थेरेपी की वर्कशॉप आ रही है, 21 नहीं 22 अगस्त से आ रही है ये हमारी वर्कशॉप. मंडे से स्टार्ट हो रही है, 3:30 PM ऑनवर्ड्स. जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100, 4 to 5 days की ये वर्कशॉप रहने वाली है, जिसमें हम कलर थेरेपी के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे कि हमारे हैंड में कैसे बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं, कौन से कलर का क्या है, ठीक है, कौन से डे से कैसे कलर कनेक्टेड है, प्लैनेट से कैसे है, नंबर से कैसे है, कलर का ऑरा से क्या कनेक्शन है, हमारे मूड से क्या कनेक्शन है, चक्रा से क्या कनेक्शन है, वात पित्त कफ से कैसे कनेक्शन है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कलर का न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्शन है, उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है, आपका फेवरेट कलर क्या होना चाहिए, कौन से कलर को आपको सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, यूज कैसे कर सकते हो, फूड आइटम से यूज कर सकते हो, कपड़ों से कर सकते हो, कैसे यूज करना है, ठीक है. उसके अलावा कलर थेरेपी बहुत, मतलब आई थिंक मोर देन हमने 51 डिजीज की कलर थेरेपी दी है अपने कोर्स में. एसिडिटी, इन्फेक्शन, बैक पेन, बेड वेटिंग, चेस्ट कंजेशन, कोलेस्ट्रॉल, क्रॉनिक एसिडिटी, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, कोल्ड एंड कफ, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, फटीग, फैटी लिवर, हेयर फॉल, ठीक है, हार्ट एंड थ्रोट बर्निंग, हेडेक, हाइपर थायराइड, इंसोमानिया, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, बीपी हाई रहता है या लो रहता है, लूज मोशन, माइग्रेन, माउथ सोर, पेन इन द नेक, टैचिका, स्पाइनल पेन, थ्रोट पेन, थायराइड, फाइब्रॉइड, वीकनेस, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कवर नहीं होगी, ठीक है. इवन जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होती है लाइक कैंसर, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं, जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें या कोई भी हम ट्रीटमेंट करें, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना. तो कलर थेरेपी जो है ये आज का नहीं है, ये हमारा प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो पहले यूज करा जाता था फॉरेन कंट्रीज में, या फिर आज भी हमारे विलेजेस में यूज करा जाता है जहाँ पर मेडिकल की बहुत ज्यादा कमी रहती है. तो ऐसे मेथड जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लॉजिकली आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे उनको यूज करना है, कैसे आप हैंड्स पे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी प्रॉब्लम है. अगर आपको मैं किसी प्रॉब्लम की कलर थेरेपी नहीं भी बता पाऊंगी इस क्लास में, तो आप खुद बना सकते हो समझ के उसको, है ना, कि कैसे कौन सा पार्ट हमें हील करना चाहिए या कौन से कलर कनेक्टेड है उससे. तो डिटेल में बात करेंगे हम अपने कोर्स में, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे से, 22 अगस्त से, 3:30 PM. एक ही क्लास होगी दोपहर की 3:30 बजे की, ठीक है. रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड.
आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु वांट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ. मतलब हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ है ना, हम सबको पता है. तो अपनी हेल्थ इश्यूज या फिर कलर से आप लोग और कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, कैसे क्रिस्टल्स जो है ये भी कलर थेरेपी की तरह वर्क करते हैं, वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा. तो बहुत ही डिफरेंट और अनूठा कोर्स मैं कहूंगी इसको है, जो आई थिंक सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है ये उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है. How many days, ma'am? हाँ जी जी मैम. How many days? How many days? I think 4 days या 5 days जाएगी ये वर्कशॉप. Okay. So बहुत ही हमारा amazing and exclusive online workshop आ रहा है color therapy. And मैम ने आपको कोर्स कंटेंट के बारे में सब कुछ डिटेल में तो बता चुके हैं. उसके साथ हमारा जो ये वर्कशॉप आने वाला है शुरू होने वाला है 22 अगस्त से. टाइमिंग्स हैं 3:30 PM ऑनवर्ड्स एंड सिंगल बैच ही है. और उसमें आपको बहुत सारे कलर्स के ऊपर लॉजिकल वे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, सारे तत्व सिखाए जाएंगे किसे आप इसे प्रैक्टिकली यूज कर सकें और इसके ब्लेसिंग्स भी ले सकें. और इसके साथ आपको 51 डिजीजेस के ऊपर आपको नॉलेज दिया जाएगा. इस डिजीजेस से आप कैसे बाहर आ सकें, कैसे हील कर सकें, और उसके साथ कौन सा कलर यूज करना है, कौन से बॉडी पार्ट में यूज करना है, कितना समय के लिए यूज करना है, और कौन से एज ग्रुप के लिए, कौन से डिजीजेस के लिए, कौन से पर्पज के लिए क्या सब यूज करना है, ये सारे आपको इसमें लॉजिकल वे में सिखाया जाएगा. एंड उसके साथ आपको हमारे सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ्स एंड उसके साथ आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा. उसके साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिसमें क्योंकि हमारे सारे क्लासेस लाइव रहते हैं जूम ऐप पे, इसके लिंक एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे. साथ ही साथ हमारे क्लासेस में साइरम क्रिएशंस परिवार के साथ जुड़ने के बाद अगर आप किसी भी वर्कशॉप या क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, उन क्लासेस में सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होने के बाद ही क्लास एंड कराए जाते हैं. एंड टाइम पीरियड के अंदर हमारे सारे कोर्सेस कंप्लीट कराए जाते हैं. सो फर्दर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. एंड उसके साथ सारे सपोर्टिंग्स भी आपको दिए जाएंगे. एंड इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो हैं 8377091209 एंड 9212175900. आई एम रिपीटिंग 8377091209 एंड 9212175900. इसके साथ हमारे साइरम क्रिएशंस परिवार की ओर से जो हमारे ऑक्यूल्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वास्तु प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, एसेंशियल ऑयल्स, यंत्रास, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूल्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और सारे प्रोडक्ट्स एनर्जीफाई करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं 9212175900. आई एम रिपीटिंग 9212175900. सो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो हमारा एक्सक्लूसिव ऑनलाइन वर्कशॉप आ रहा है कॉलर थेरेपी, ये बहुत ही यूनिक कोर्स है. एंड दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ऐसे ही इनोवेटिव टॉपिक्स लॉजिकल वे में पढ़ाए जाते हैं, जो कि शुरू होने वाला है 22 अगस्त से. टाइमिंग्स हैं 3:30 PM ऑनवर्ड्स, ओनली वन बैच, एंड जिसका एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 2100. इसके साथ 51 डिजीजेस के ऊपर आपको टोटली एंड कंप्लीटली लॉजिकल वे में सिखाया जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ्स, ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएंगे. सारे क्लासेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे. राइट मैम. यस. एंड वन मोर थिंग, कॉम्प्लीमेंट्री जो दिया जा रहा है इस क्लास के साथ, 7 चक्रा टंबल का सेट, ठीक है, राइट, कॉस्ट आई थिंक 1100 रुपीज का हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को. तो
1100 कॉस्ट है उसकी, लेकिन वो सिर्फ हम देंगे हमारे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को ही। जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे हमारा ये कोर्स कलर थेरेपी का, उनको हम 7 टम्बल्स जो होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं जो आप यूज करोगे आगे जाके कलर थेरेपी में भी, या फिर फर्दर यूज करोगे इस क्लास के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी पूरी क्विक किट, जिसमें 7 के 7 कलर्स के टम्बल्स होंगे 7 चक्र के। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र पर्व पर आपको मैम की ओर से और एक ब्लेसिंग्स मिला, जो कि हमारे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को 7 क्रिस्टल्स के जो टंबल्स हैं उसका सेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। सो प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जन्माष्टमी के लिए ही हमारे साईराम क्रिएशंस परिवार की ओर से आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर दिया जा रहा है। राइट मैम, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी डायबिटीज की रेमेडी की, जिसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम दो रेमेडीज की बात करेंगे, एक डायबिटीज की और एक हम बात करेंगे लिवर प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कॉमन है। दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ किस किस जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं कोर्स एनरोलमेंट के लिए एंड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, वो है 8377091209 एंड 9212175900। इसमें हमारे जी पे, फोन पे, पेटीएम अवेलेबल हैं एंड आपसे अनुरोध है प्लीज शेयर योर नेम एंड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट आफ्टर डूइंग पेमेंट टू द एबो मेंशन नंबर्स। राइट मैम, चलिए तो अब डायबिटीज की रेमेडी कर लेते हैं। डायबिटीज जो है ये डायरेक्टली हमारे पैनक्रियास से रिलेटेड है, जैसे अभी हमने बात करी। तो अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले तो कौन सा एरिया आपको स्टिम्युलेट करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगेन मिडल फिंगर, मिडल फिंगर का जो ये फर्स्ट हाफ है, मतलब जो फर्स्ट है ये वात वाला जो एरिया है, इसका मिडल पोर्शन दिस इज यहाँ, ठीक है, ये आपको प्रेस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिसको भी डायबिटीज है, ठीक है, दिख रहा है सबको ना, मिडल में जो पड़ेगा, जो ये वाली फिंगर है इसका जो फर्स्ट हाफ पोर्शन होता है ना, इसका जो मिडल एरिया पड़ेगा, ठीक है। जब आप हमारी क्लास में आओगे तो वहां पर हर एक प्रॉब्लम की हमने अलग पिक्चर से शो किया हुआ है कि कौन से एरिया को आपको यूज करना है, लेकिन अभी आज क्योंकि हमारा ये फ्री क्लास है तो मैं आप लोगों को डेमो करके दिखा रही हूँ। ये मिडिल पोर्शन आपको प्रेस करना है, देन आपको क्या करना है कि इस इतने पोर्शन को आपको येलो कलर कर देना। येलो कलर करने के बाद आपको इसके ऊपर प्रेस, आपको इसके ऊपर चिपकाने हैं 3 मेथी दाना के सीड्स लेने और आपको इस पोर्शन पे चिपका देने। ये मिडिल वाला पोर्शन जरूर कवर होना चाहिए। और एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जितने भी मैं आप लोगों को ये ग्रेन्स बता रही हूँ लगाने के लिए कि आप ये लगा दो या वो लगा दो, तो वो आपको लूजली नहीं लगाना, टाइटली लगाने की आपका वो एरिया स्टिम्युलेट हो, प्रेस हो, ताकि उसके नीचे की नर्व्स दबे, क्योंकि वो कनेक्टेड है आपके उस पोर्शन से जिसकी वजह से आपको वो हेल्थ इश्यू हो रहा है। राइट, ठीक है, तो मेथी दाना लगा के उसके बाद आपको उसके ऊपर डॉक्टर टेप से उसको कवर कर दो। तो रिपीट कर रही हूँ, येल्लो कलर करके उसके ऊपर 3 मेथी दाना सीड्स लेनी है, 3 मेथी दाना सीड्स आपको लगानी है एंड देन इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा देंगे। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीवर इश्यू की। अगर किसी को भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही कॉमन है आजकल। अगर आप फ्रीक्वेंटली ड्रिंक कर रहे हो या वैसे भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, पिंक कलर जो है ना उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पिंक कलर लेना है आपको। ये ट्रायंगल बना के आपको इसके अंदर ये कलर फिल कर दो, पिंक कलर। ठीक है, फिल करने के बाद
अगेन स्टिम्युलेट करोगे आप इस एरिया को, ठीक है, प्रेस करोगे आप इस एरिया को, जो प्रेस करना है वो आपको हार्ड